अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ईशान फ्रॉम टेक्निकल जी। और आज की वीडियो टेक्निकल नहीं है, कोई भी टेक के रिलेटेड नहीं है। आज की जो वीडियो है ये है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। और आज की जो मतलब वीडियो है, मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ कि बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए और सेफ़ एंड सिक्योर कहाँ पर की जाए। तो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने गेन किए हैं। कुछ लोगों के सवालात होते हैं बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो वो सारे सवाल के मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाजमी से शेयर कर दें और इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो नीचे कमेंट करके लाजमी बता दीजिएगा करें, और उसके अलावा मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपसे ये बातें शेयर करते चलूँ कि बहुत से लोगों का ये ख्वाब होता है कि यार बहरिया टाउन में हमारी कोई अपनी रहायश हो या हमारा वहाँ पर कोई अपना इन्वेस्टमेंट हो या वहाँ पर कोई अच्छा सा कारोबार हो। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दें जो सवालात हैं, इस लिहाज से लोगों को ये मन में सवाल आता है कि यार हम बहरिया टाउन चले तो जाएं, बहरिया टाउन बहुत महंगा है और बहरिया टाउन की लाइफस्टाइल जो है वहाँ के हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पर मतलब रहायश तो मतलब दूर की बात, वहाँ पर बंदा अपना कारोबार भी नहीं कर सकता। तो ये सारे सवालात के जवाब मैं आपको आज देने वाला हूँ। ये सारी बातें लोगों की गलत हैं, क्योंकि एक मिसाल देते हैं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि बाहर से किसी भी चीज़ को देख के बंदा उसके अंदर का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मतलब ये है ना कि वाकई बहरिया टाउन महंगा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बहरिया टाउन के गेट पर जितना खर्चा हुआ है इतने पैसों में लोग अपने सोसाइटीज स्टार्ट कर ले। कुछ सवाल आते हैं, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि सेफ एंड सिक्योर आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसे कौन से बिल्डर्स हैं जिन पर बंदा आँख बंद करके यकीन कर सकता है। मतलब आप नहीं, शायद पूरे बहरिया को वो पता हो कि वो कौन से बिल्डर्स हैं, उनका भी मैं आपको रिवील करता चलूँगा नाम। तो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। तो पहला सवाल ये आता है कि क्या बहरिया टाउन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेफ एंड सिक्योर है, एंड दूसरा सवाल ये आता है कि बहरिया टाउन ओनली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेफ है या बंदा वहाँ पर रहायश भी कर सकता है, और तीसरा सवाल ये आता है कि बहरिया टाउन की जो लाइफस्टाइल वो शायद बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। और उसके बाद लास्ट में ये आता है कि लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि यार बहरिया टाउन जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, वहाँ पर रहना मतलब कि दूर की बात है यार, बंदा कारोबार भी नहीं कर सकता, बहुत ही महंगे हैं वहाँ पर, मतलब कि अपार्टमेंट विला वगैरह ये वो मतलब, और इसके अलावा वहाँ पर कारोबार करना एक बंदे का ख्वाब होता है कि यार शायद ही वो पूरा हो। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सब सारी चीज़ों के जवाब देता चलूँगा। सबसे पहले आपका जो सवाल था कि बहरिया टाउन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा है, सेफ एंड सिक्योर, एंड अगर वहाँ पर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता चलूँ कि बहरिया टाउन इस टाइम डे बाई डे अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करता जा रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो 2-3 साल पहले आए थे तो वो बहरिया को अभी भी यही समझ रहे कि यार बहरिया अभी तक मतलब जंगल लगा पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। बहरिया इस टाइम 34 से 35 हज़ार एकड़ तक फैल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल उससे प्रॉफिट होगा डे बाय डे। मतलब यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती जा रही हैं, लोग आ रहे हैं जो अकलमंद है वो आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको पता चलूँ कि वहाँ पर सिर्फ बंदा इन्वेस्ट कर सकता है या रह भी सकता है, बिल्कुल रह भी सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना होता है कि यार बहरिया भी सिक्योर नहीं है। बहरिया में मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर आप रात के 3-4 बजे भी निकलें तो किसी चीज़ का डर नहीं रहता। उसके अलावा यहाँ पर बहुत से लोगों का ये होता है कि यार यहाँ पर गैस बिजली और पानी का क्या सीन है, तो यहाँ पर किसी चीज़ की तंगी नहीं है। बिजली यहाँ पर बहरिया की अपनी है, 24 घंटे इधर बिजली होती है। पूरे कराची में अगर बारिश होती है तो लाइट चली जाती है, लेकिन बहरिया वाहिद ऐसा एरिया है जहाँ पर बारिश होने के बावजूद भी लाइट नहीं जाती। उसके बाद पूरे कराची का यह मसला होता है कि अगर बारिश होती है तो बंदे ऐसा समझो बंदों की जो गाड़ियाँ वो डूब जाती हैं, लेकिन बहरिया में ऐसा नहीं है। बारिश होगी उसके बाद पता नहीं चलेगा कि बारिश हुई थी या नहीं हुई थी, वो पानी सारा यहाँ पर सीवरेज लाइन वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेट हैं, तो उसके बाद पानी वो सारा गायब हो जाता है। उसके बाद ये सवाल आता है कि यार यहाँ पर अगर बंदा ले रहा है तो यहाँ पर अफोर्ड कर पाएगा यहाँ की लाइफस्टाइल या नहीं। बिल्कुल यार लाइफस्टाइल क्यों अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं जब बहरिया में नहीं था, बहरिया को बाहर से देखते तो यार बाहर से देखते हैं मतलब ऐसा लगता था यार कैसे रहेंगे यहाँ पर, मतलब कि मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है, जब मैं बहरिया में अंदर आया तो बहरिया पे मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर हम कराची में रह रहे हैं वो एरिया बहरिया से महंगा है।
तो ये सारी चीज़ बातें मतलब होती रहेंगी, मतलब कि ये आपको बिल्कुल तसल्ली करनी है कि बहरिया सेफ एंड सिक्योर है और दिन ब दिन आपको प्रॉफिट होगा बहरिया में इन्वेस्ट करने के बाद। अब कुछ लोग ये सारी बातें सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे, अगर हम इन्वेस्ट करें तो कहाँ पर करें, कौन से ऐसे बिल्डर्स है जो मतलब कि जिस पे बंदा ट्रस्ट करे और वहाँ पर बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट करे। उसके बाद सबसे अहम सवाल, सस्ता, कम बजट में अच्छी चीज़ और अच्छी रहाइश, अच्छा लाइफस्टाइल कम बजट में। तो मैं आपको रिवील करता चलूँ कि कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह अपने 9 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुका है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो 9 के 9 प्रोजेक्ट्स कामयाब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो टोटली सोल्ड आउट भी हैं, लेकिन उनमें से 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 70-80% सोल्ड आउट हैं और अभी ईद के लिए वहाँ पर 25% ऑफ चल रहा है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं और किस चीज़ के रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता चलूँगा जो थीम पार्क है यहाँ पर बहरिया में, जो एडवेंचर लैंड है, मैं आपको फुटेज रिवील करता चलूँगा कि एडवेंचर लैंड है जो बहरिया का सबसे बहुत बड़ा पार्क है, जो यहाँ की पहचान है एडवेंचर लैंड बहरिया में, ठीक उसके सामने जो है उनका प्रोजेक्ट है थीम पार्क। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको जो अपार्टमेंट्स वगैरह मिलेंगे वो 25% ऑफ में मिलेंगे। वहाँ पर 1 बेड 2 बेड ये आपको अराउंड 35-32 लाख में 1 बेड अपार्टमेंट मिले 25% ऑफ के साथ। तो ईद से पहले पहले आप आएँ और बुक करवाएं। उसके अलावा मैं आपको ये रिवील करता चलूँ कि सिर्फ बंदा वहाँ पर रह सकते हैं, इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिनमें बंदा कारोबार भी कर सकता है। जी हाँ, अभी जो ड्रेस मॉल जिसने पूरे बहरिया को मतलब कि जिसने पूरे बहरिया को हैरान कर दिया है, ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी तक शायद किसी बिल्डर ने लॉन्च ना किया हो, तो मैं आपको वो बता चलूँ ड्रेस मॉल के बारे में। ड्रेस मॉल असल में है कि आप ड्रेस मॉल का नाम सुन के आपको लग रहा होगा यार ड्रेसिंग के रिलेटेड, जी हाँ ये मतलब कारोबार के रिलेटेड, जैसे आपके ड्रेस हो गए, आपके शूज़ वगैरह हो गए, एच एंड एवरीथिंग यहाँ पर होगा। और अभी लॉन्च किया हुआ प्रोजेक्ट है रिसेंटली और इंशाल्लाह उसके भी डिगिंग वगैरह भी स्टार्ट होने वाली है, आने वाले 1-2 मंथ में उसकी डिगिंग भी स्टार्ट है। तो मैं आपको ड्रेस मॉल के बताता चलूँ कि वहाँ पर कितने से बंदा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 15 लाख से बंदा वहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है, जाते हुए आपको 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक की भी वहाँ पर शॉप्स हैं। और वहाँ पर मेन अगर बंदे के मन में एक सवाल आता है कि यार लोकेशन उसकी क्या है, तो मैं आपको बता चलूँ बहरिया के मेन गेट से 3 मिनट की ड्राइव पर आपको वो प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके सामने अपार्टमेंट हैं, जहाँ पर लोग रह रहे हैं 25 से 30 हज़ार वहाँ पर लोग रह रहे हैं, ठीक उसके सामने हमारा ड्रेस मॉल है और उसके बैक साइड पर डेंजू है, जो डेंजू कमर्शियल पे उसका प्लॉट है वहाँ पर उसकी कंस्ट्रक्शन होगी। और उसके अलावा उसके जो लेफ्ट साइड पे है इम्तियाज़ और राइट साइड पे जो पीओसो का पंप है, मतलब कि लोकेशन ऐसी है जो शायद अभी फ़िलहाल मतलब किसी भी बिल्डर्स ने ऐसे चूज़ की हो। तो हैं कुछ बिल्डर्स में किसी का मतलब कैसे नहीं कहूँगा यार सिर्फ कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इस टाइम जो ड्रेस मॉल चल रहा है तो वो माशाल्लाह से सबसे ऊपर टॉप पर चल रहा है। और किस लिए ड्रेस मॉल ऊपर चल रहा है कि ड्रेस मॉल दे रहा है नेट पे ओनली, ग्रॉस पे नहीं। आपको मैं डिस्क्राइब करता चलूँ कि नेट पे क्या है और ग्रॉस पे क्या है। अब ग्रॉस पे में ये होता है कि आपको सर्कुलेशन चार्जेस पे करनी होती है, जिसमें आपके लिफ्ट्स एलिवेटर्स और स्टेयर्स वगैरह ये वो जो उसके डेवलपमेंट्स होती हैं उसके चार्जेस पे करने होते हैं आपको ग्रॉस पे में। लेकिन ड्रेस मॉल में आ रहा है नेट पे। नेट पे में ये होता है कि आपकी जो दुकान है, आपकी जो शॉप है, उसके अंदर जितने स्क्वायर फुट है, आपकी जो हद है, सिर्फ आपको उसका पे करना है। उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ का 1 रुपया भी पे नहीं करना। 15 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। अगर आप चाहते हैं बहरिया टाउन में हमारे 9 प्रोजेक्ट हैं, थीम पार्क हो गया और डॉक्टर प्लाजा भी है, मैं आने वाली वीडियोस में डिस्क्राइब करता चाहूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा, ड्रेस मॉल को और अच्छे तरीके से मैं डिस्क्राइब करूँगा। वहाँ पर 333 शॉप्स हैं, मैं आपको ये भी बता चलूँगा। और उसके अलावा शॉप्स के अलग अलग साइज़ हैं, मतलब कि आपको 1 फुट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप सिंपली कॉन्टैक्ट करें और हमें बताएं कि आप ये वीडियोस के थ्रू आएँ, तो इंशाल्लाह आपको और जितना हो सका हम कंसेशन करवाएंगे। और 25% ऑफ ये मत भूलिएगा, ईद से पहले पहले 25% ऑफ चल रहा है। अगर 15 लाख की शॉप है तो इंशाल्लाह आपको 11 से 12 लाख में हम दिलवा देंगे। तो देर मत कीजिए, आप आएँ इधर बहरिया टाउन में, आपको हम साइट्स विज़िट करवाएँगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें विजिट्स होंगी, यहाँ पर टीम बैठी है पूरी कैलिफोर्निया की। उसके अलावा किसी भी चीज़ का अगर कोई भी आपके मन में सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, उसका हम आंसर देंगे। और आप आएँ और हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप सिंपली कॉन्टैक्ट करें और हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।